उसके आगे क्या लिखा है लेग, तो लेग में कितने जीरो आते हैं 5, तो पीछे से 5 जीरो कट कर देना। अब आगे जितने भी डिजिट बचे वो हमारा आंसर, आंसर इज 1000। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, 1000 लेग इज इक्वल टू 100 मिलियन। अब आपको टैली करने के लिए आंसर 1000 लेग इज राइट और नॉट, तो आपको क्या करना है, 1000 है तो पहले 1000 लिखो, फिर लेग में कितने जीरो आते हैं 5, ओके 1000 का 1000 ही रहे, बट लेग में कितने जीरो आते हैं 5 जीरो। अब ये हमें क्या लिखा है, अभी 100 लिखा है, 100 मत करो, सिर्फ आपको क्या करना है मिलियन, मिलियन में कितने जीरो आएंगे 6, तो ये 6 जीरो कट हो गया, तो बचा क्या 100, तो ये 100 और ये 100 हो गया सही। तो हम लोग इस तरह से हम लोग आंसर भी टैली कर सकते हैं। सेकंड वन, डैश लैक इज इक्वल टू 10 करोड़, अब 10 करोड़ लिखो पहले, ओके 10 करोड़, अब लैक में कितने जीरो 5 जीरो, तो आंसर बचा 1000, ओके। अगेन वी विल टैली 1000 लैक, अब पीछे क्या लिखा है करोड़, करोड़ में कितने जीरो आएंगे, जो यहां पे लिखा है उतने लिखे 5, 6 एंड 7, 7 जीरो आएंगे, तो बचा क्या 10। देखो यहां पे 10 है और यहां पे 10, करोड़ में कितने जीरो आएंगे 7 जीरो और लाख में कितने 5 जीरो, ओके। नेक्स्ट 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश मिलियन, 1 मिलियन क्या
सॉरी 6 0, 3 and 3 करोड़। अब करोड़ कितने जीरोस आते हैं? 7, 3 3 6 and 1 7, तो कितना बचा? 5। तो इसको कैसे रीड करेंगे? 50 million is equal to 5 crore। वे कंपेयर करेंगे वापस 5 crore। ओके, अब मिलियन में कितने जीरोस आएंगे? 6 0, ये 6 0 कट कर दिए, बचा क्या? 50। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा? 50। वैसे ही जब भी ऐसे टेंस पूछे तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जब वहां पे फर्स्ट टेंस पूछी गई है तो आपको क्या करना है? इजी वर्ड के सामने वाली डिजिट देनी है, 100 है और पहले 100 है, फिर मिलियन है तो मिलियन के में कितने जीरो आते हैं वो लिखना है। फिर पूछा क्या है? डैश लैक, लैक में कितने जीरो आएंगे? 5 0। तो लास्ट से 5 0 काउंट करके उसको कर देना है, आगे जितने डिजिट बचे वो हमारा आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। Write the following numbers in expanded form. Okay, ये हमने 5 मिनट पढ़ चुके, मैंने examples में भी आपको करवाया था कि इसको expanded form में कैसे लिखना है। Find the difference between
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू Okay.
प्लस वन टू थ्री Okay, answer 37, 1 second. Now next is question number 10.
अगेन 97 लाख और उसके आगे में 1 करोड़। अब उससे छोटी डिजिट तो कितनी है 1, 2, 3। अब उसमें से छोटी डिजिट में छोटी डिजिट कौन सी आएगी 34,56,678। देन नेक्स्ट 73,62,678 जो आगे उसको आप कट कर सकते हो तो आपको पता चलेगा दो डिजिट आगे। देन नेक्स्ट 78,46,120। अब बच्चे को डिजिट अब यहाँ पे 3 करोड़ है और यहाँ पे 8, तो 3 करोड़ 49,67,880। एंड द लास्ट वन 8 करोड़ 97,62,100।